ट्रांस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझेंगे जब स्लिट्स को हमने व्हाइट लाइट से इल्यूमिनेट किया है। व्हाइट लाइट मतलब क्या होता है? तो सनलाइट या बल्ब से मिलने वाली लाइट, ये व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट में इनफाइनाइट वेवलेंथ्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें से हमारी आँख 7 वेवलेंथ्स या 7 कलर्स के लिए सेंसिटिव होती है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट वेवलेंथ्स, एंड अमंग दीज इनफाइनाइट वेवलेंथ्स आर आईज सेंसिटिव टूवर्ड्स 7, जिनको हम विबग्योर ऐसा लिख लेते हैं। और वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर हमें मालूम है ये वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है। सबसे छोटी वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वॉयलेट, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड होती है। और अप्रॉक्सीमेटली इनकी वैल्यूज लैम्डा वी मतलब वॉयलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, और रेड की वेवलेंथ वो हम मान सकते हैं 700 नैनोमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज मैंने अज्यूम की हुई हैं, आसपास ही होती हैं इसकी। और ये वॉयलेट की वेवलेंथ, ये रेड की वेवलेंथ, ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। और ऐसी वाइट लाइट को हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उन स्लिट्स पर इंसिडेंट किया हुआ है। ये हमारा सेटअप, ये वो दोनों स्लिट्स S1 S2, और S1 S2 पर हम इंसिडेंट कर रहे हैं वाइट लाइट। तो हमको बताना ये है कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा। तो जब ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली आएगा तो आपको ये कह देना है कि ये जो सेंट्रल फ्रिंज है ये वाइट होगी। अभी हम इसे जस्टिफाई करेंगे मैथमेटिकली और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या लिखना है कि स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट, द सेंट्रल फ्रिंजेस वाइट इन कलर। तो ये वाइट मिलती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ कुछ थोड़ा सा रेड कलर दिखाई देता है ठीक इसके बगल में। ये जो वाइट सेंट्रल फ्रिंज है उसके ठीक बगल में यहाँ पर कुछ रेडिश कलर हमको दिखाई देता है। तो हम समझेंगे अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर आगे बढ़ने पर कुछ इंटरमीडिएट कलर्स यहाँ दिखाई पड़ते हैं, और फाइनली फिर ब्लूइश कलर यहाँ पर दिखाई देता है। ये मैंने बहुत एनलार्ज्ड व्यू बनाया है एक्चुअली, ये जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा सा लॉन्गर हमने शो किया हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ कलर्स दिखाई पड़ते हैं, ये हम थ्योरी में लिखेंगे इस तरह से। इवन वाइट लाइट इज यूज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन द सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट, देन सम कलर्स आर सीन, और फिर पूरी स्क्रीन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन से, पूरी स्क्रीन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन यानी वाइट कलर से दिखाई देने लगती है। ऐसा ही नीचे भी होगा, यहाँ कुछ रेड, फिर कुछ कलर्स, फिर आखिर में ब्लूइश, और फिर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन वाइट कलर। ऐसा हमको थ्योरेटिकली लिख देना है जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट यूज करने पर क्या होता है। अब इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर वाइट लाइट क्यों दिखाई पड़ रही है, मतलब सेंट्रल जो मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम इज वाइट, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ गया होगा, वो ये कि यहाँ से हम कितनी वेवलेंथ सेंड कर रहे हैं, बहुत सारी, पर सभी वेवलेंथ्स सेंटर ऑफ स्क्रीन पर जब पहुंचती है तो उनके बीच पाथ डिफरेंस जीरो होता है, चाहे वो रेड हो, वायलेट हो, इंडिगो हो, कोई भी कलर हो, कोई भी वेवलेंथ हो, सभी वेवलेंथ्स इस पॉइंट पर रीच करती हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर विद पाथ डिफरेंस जीरो। यानी ये कंस्ट्रक्टिव की शर्त हो गई, यानी ऑल वेवलेंथ्स इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और इसलिए उसका वाइट होना लाजमी है। इसका रीजन तो हम ये कह देंगे कि ऑल वेवलेंथ्स मतलब वायलेट से रेड तक, ऑल वेवलेंथ्स रीच एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन विद पाथ डिफरेंस
जीरो. देयरफॉर इन अदर वर्ड्स ऑल वेवलेंथ्स इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली. देयरफॉर दे इंटरफियर, सभी कलर्स इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली, मतलब सभी कलर्स वहां प्रेजेंट होंगे. कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब सभी वहां प्रेजेंट होंगे, विजिबल होंगे. और सभी कलर्स एक साथ विजिबल हैं, तो इन सब कलर्स का जो यूनाइटेड मिलजुल कर जो हमारी आंख पर असर होता है वो होता है व्हाइट. और इसलिए ये फ्रिंज व्हाइट कलर की दिखाई पड़ेगी. ये इसका जस्टिफिकेशन हुआ सेंट्रल मैक्सिमम का. इसके बाद हम सोचें हम अपना YDSE फिर ध्यान में लाएं, तो हमको ध्यान आता है कि इस सेंट्रल फ्रिंज के ठीक बगल में, ठीक ऊपर डार्क फ्रिंज बनती है. और डार्क फ्रिंज बनने की शर्त क्या होती है? शर्त होती है कि जहां पाथ डिफरेंस, मतलब ही S2P, क्योंकि हम ऊपर की बात कर रहे हैं इसलिए वो पॉइंट P है स्क्रीन पर, S2P माइनस S1P, इस पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए. किसके लिए? इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ठीक ऊपर, सबसे पहले फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए. यह है पहली फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज, उसके बनने के लिए इस शर्त का पालन होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाई 2 होना चाहिए. अब क्या लैम्डा बाई 2 सबके लिए होगा या इसमें से कौन सी क्वांटिटी बदल रही है लैम्डा, क्योंकि हमने बहुत सारे लैम्डाज यूज किए हुए हैं, इसलिए ये पाथ डिफरेंस सबके लिए अलग अलग आएगा. जैसे हम वॉयलेट की बात करें, पहले हम वॉयलेट की बात करें, तो ये पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P. लैम्डा की वैल्यू वॉयलेट के लिए 400 बाई 2 यानी 200 नैनोमीटर होगा. और यदि हम रेड की बात करें सीधे, तो ये S2P माइनस S1P ये 700 बाई 2 यानी 350 नैनोमीटर के बराबर होगा. अब जैसे जैसे हम इधर से आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे पाथ डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा. ये उसकी ज्योमेट्री फिगर की, ये पॉइंट P है, ये है वो S2P और ये है S1P. तो जैसे जैसे हम सेंट्रल फ्रिंज के आगे ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे पाथ डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा. यानी इस सेंट्रल फ्रिंज के जस्ट बाद में, बहुत ही पास, सबसे पहले डिस्ट्रक्शन किसका होगा, किस कलर का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या किसका मिनिमा बनेगा, तो वो बनेगा वॉयलेट का, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है. तो सबसे पहले यहाँ पर, जहाँ पर मैंने ये रेड कलर शो किया हुआ है, ये जो रीजन है या ये पॉइंट जो है, यहाँ पर वॉयलेट कलर का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना मतलब वॉयलेट कलर यहाँ से बाकी वेवलेंथ्स में से हट जाता है, या ये रीजन, ये कह सकते हैं दिस रीजन इज डिवॉइड ऑफ वॉयलेट. और यदि इस स्पेक्ट्रम में से वॉयलेट कलर को हटा लिया जाए, तो जो इफेक्ट आएगा सब कलर्स का मिलकर, वो वाइट लाइट नहीं होगा, थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा. तो यही रीजन है कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा रेड कलर दिखाई पड़ता है इस सेंट्रल फ्रिंज के ठीक बाद में. और उसके बाद फिर अब कौन सा कलर डिवाइड होगा, तो वो होगा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो. तो जब कोई कलर गायब हो जाता है इन 7 में से, तो उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो हमको दिखाई पड़ता है. धीरे धीरे होते 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 एट लास्ट यहाँ पर ये रेड की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि पाथ डिफरेंस हो गया 350 नैनोमीटर के बराबर. तो यहाँ से ये जो आखिरी जगह यहाँ पर ये दिखाई हुई है थोड़ा सा ब्लूइश, यहाँ से कौन गायब हो जाएगा? रेड कलर. और रेड कलर के गायब हो जाने से ये डोमिनेटिंग हो जाएंगे कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह. और ये सब डोमिनेटिंग होने से ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ब्लूइश दिखाई देने लगेगा. और इस तरह ये रेड यहाँ और यहाँ पर ब्लूइश कलर हमको दिखाई पड़ता है. ठीक इसी तरह से यहाँ भी होगा, नीचे भी सेंट्रल फ्रिंज के. यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर दिखेगा, उसके बाद कुछ कलर्स इंटरमीडिएट दिखाई देंगे, और फिर ब्लूइश कलर यहाँ पर दिखने लगेगा. इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैसे
पाथ डिफरेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। जब पाथ डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल पाथ डिफरेंस हम मान लेते हैं S2P माइनस S1P इज 3000 हो गया, मान लो 3000 क्या नैनोमीटर में 3000 हो गया, 3000 नैनोमीटर होने पर यदि हम कंस्ट्रक्टिव की बात करें, फॉर कंस्ट्रक्टिव, अब ये याद ये रखना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव मतलब जो भी कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होता है वो प्रेजेंट होता है, डिस्ट्रक्टिव करने वाला डिसअपियर हो जाता है, डिवॉइड हो जाता है उस कलर का। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर, ये कंडीशन है। इसमें से हम लैम्डाज निकाल लेंगे अलग अलग, कौन से लैम्डा होंगे जब पाथ डिफरेंस के 3000 नैनोमीटर हो जाने पर। अभी पाथ डिफरेंस कितना था यहां पर, रेड के मामले में ये पाथ डिफरेंस था 350, सॉरी वायलेट के मामले में ये 200 नैनोमीटर था, यहां पर आने पर ये पाथ डिफरेंस 350 नैनोमीटर हो गया है, और आगे बढ़ने पर ये पाथ डिफरेंस और आगे की बात कर रहे हैं जब 3000 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा, तो हमको कौन से कलर्स ऐसे मिलेंगे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो इसके लिए हमको बस एन की वैल्यूज पुट अप करते जाना है, एन वन डालेंगे तो पहली वेवलेंथ आएगी 3000, फिर दूसरी आएगी 1500 पर, ये तो इसके बाहर है इस रेंज के विजिबल लाइट। अब तीन डालने पर ये कितना हुआ, वन डालने पर 3000, दो डालने पर 1500, थ्री पुट करने पर 1000 आएगा, फिर फोर पुट करने पर 750 आएगा, यानी ये वो कलर है जिसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये आया 4, और फिर 5 डालने पर 600, ये कलर भी वहां प्रेजेंट होगा। इस तरह बहुत सारे ऐसे कलर्स होंगे जो इस इतनी लार्ज पाथ डिफरेंस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव करना मतलब वो सभी प्रेजेंट होंगे, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ में से ज्यादातर वेवलेंथ वहां पर प्रेजेंट होंगी, और नेकेड आई के लिए उसका जो इफेक्ट होगा वो व्हाइट लाइट जैसा होगा। इसलिए फर्दर यहां पर हमको पूरी स्क्रीन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन से भरी हुई दिखाई देती है, तो यही हमको एक्सप्लेन कर देना है। अब ये जो हमने पार्ट किया है ये हमने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी फॉर्म किया जा सकता है। थ्योरी में ये क्वेश्चन आने पर आपको सिंपली ये लिख देना है कि सेंट्रल जो फ्रिंज होगी वो व्हाइट, फिर कुछ कलर्स, और उसके बाद पूरी स्क्रीन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन शो करेगी, थ्योरी में लिख देना। हम एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद व्हाइट लाइट पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्या कह रहे हैं, इन YDSE कैपिटल D इज 1 meter, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, स्मॉल D इज 0.9 millimeter, ये है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट, स्लिट्स को हमने व्हाइट लाइट से इल्यूमिनेट किया है, लाइट रीचिंग एट y इक्वल्स टू 1 millimeter ऑन द स्क्रीन इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म एंड इट्स स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। अब स्क्रीन पर लीनियर डिस्टेंस 1 millimeter पर कोई पॉइंट है, वहां रीच होने वाली लाइट को प्रिज्म से पास कर दिया, फाइंड मिसिंग लाइंस इन द विजिबल रीजन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। हमको प्रिज्म के बारे में पता है कि प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, मतलब सभी वेवलेंथ अलग अलग हो जाती हैं, डिस्पर्सिंग एलिमेंट है वो। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा सेटअप, ये S1 S2 ये स्लिट्स, ये स्क्रीन, और स्क्रीन की सेपरेशन स्लिट्स से कैपिटल D, और इसको हमने व्हाइट लाइट से इल्यूमिनेट किया है, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ यहाँ इसमें प्रेजेंट है व्हाइट लाइट में, और ये वो पॉइंट P, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कितनी दूर, y दूर, कहाँ से, सेंट्रल सेंटर ऑफ द स्क्रीन या सेंट्रल मैक्सिमा से। और ये लाइट जब यहाँ पहुँचती है तो इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P। अब हमको बताना क्या है कि कौन सी लाइंस विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रम में एब्सेंट है, तो एब्सेंट होने का मतलब यह है कि वो कलर्स जिनके लिए ये पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सभी वेवलेंथ्स इस पॉइंट से डिसअपियर हो जाएंगी, यहाँ पर वो प्रेजेंट ही नहीं होंगी।
फर्दर इस लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे तो वही वेवलेंथ जो यहाँ मिस हो गई है वो सभी उस विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रम से भी एब्सेंट होंगी, उनकी जगह हमें डार्क लाइंस दिखाई देंगी। मतलब कंडीशन सिर्फ ये है कि उन वेवलेंथ का पता लगाएं जो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब S2P-S1P ये पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस को होना चाहिए 2N-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर, ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। और इसे हम जानते हैं वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, वो दो अप्रॉक्सीमेशन लगा कर यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी हुई है उसके हिसाब से ये पाथ डिफरेंस जो है वाई डी अपॉन कैपिटल डी लिखा जा सकता है, और इज इक्वल टू ये है 2N-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर। और अब हमें सॉल्व किसके लिए करना है, इसको लैम्डा के लिए, वो लैम्डास पता करना है जिसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये हो गया 2 इंटू वाई इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी अपॉन 2N-1 इंटू कैपिटल डी। अब यहाँ सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू वाई, वाई कितना है 1 मिलीमीटर, मतलब 10^-3, स्मॉल डी इज 0.9 मिलीमीटर, 0.9 इंटू 10^-3 अपॉन 2N-1 टाइम्स कैपिटल डी, और कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज 1 मीटर। बस हमें इसे सॉल्व कर देना है, आएगा 1.8, हम लैम्डा निकाल रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10^-6 अपॉन 2N-1। अब ये आंसर किस में आएगा, तो ये हम एसआई में काम कर रहे हैं, आंसर आएगा मीटर में, और इस मीटर को यदि हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है या नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, किसी में भी कर सकते हैं। नैनोमीटर में मान लो कन्वर्ट करें 10^9 लिखेंगे, मीटर का नैनोमीटर। अब क्या आएगा यहाँ, तो नैनोमीटर लिखने पर ये पार्स 10^3 बचेगा, और 10^3 बचेगा तो दो जीरोस और आएंगे, 1800 अपॉन 2N-1। अब यहाँ हम n को अलग अलग वैल्यूज देते जाएंगे, करस्पॉन्डिंग लैम्डाज हमको मिलते चले जाएंगे, और वही लैम्डाज यहाँ पर एबसेंट होंगे और फर्दर प्रिज्म से मिलने वाले स्पेक्ट्रम में भी एब्सेंट होंगे। तो हमको वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, पहली वैल्यू क्या होगी 1800 अपॉन 1, 2 × 1 - 1, तो ये तो विजिबल लाइट में होती ही नहीं है वेवलेंथ। अब यहाँ 2 डालेंगे तो 4 - 1 यानी 3, 1800 अपॉन 3 तो ये 600 नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये एक वेवलेंथ है जो यहाँ मिसिंग है, तो आगे भी मिसिंग होगी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद या डिस्पर्जन के बाद। अब यहाँ डालना है हमको 3, ये 5 आएगा, और 5 आएगा तो 5 × 3 = 360 नैनोमीटर आएगा। ये भी वेवलेंथ विजिबल लाइट में ही आती है लगभग, यानी ये दो वेवलेंथ ऐसी हैं, क्योंकि आगे जाने पर ये और कम हो जाएगा, और कम हो जाने पर हम उसे इग्नोर कर देंगे। ये वॉयलेट और ये रेड के आसपास वाली वेवलेंथ हैं, तो ये दो वेवलेंथ एब्सेंट होंगी, और यही इसका आंसर है।